रिवन तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स तो ये जो कन्वेंशन है इसे अडॉप्ट और ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए रेटिफिकेशन के लिए और असमेंट के लिए जनरल असेंबली रिजोल्यूशन टू टू थाउजेंड टू हंड्रेड ऑफ सिक्सटी दिसंबर नाइनटीन में और इसे फोर्स में लाया गया था थ्री जनवरी नाइनटीन में अकॉर्डिंग विद आर्टिकल ट्वेंटी सेवन इसके प्रीएम्बल की बात करें तो इसमें इसके प्रीएम्बल में दिया गया है कि जो स्टेट पार्टीज इस कन्वेंट की कन्वेंट की कंसीडरिंग की ये जो प्रिंसिपल्स प्रोक्लेम किए गए हैं चैप्टर्स में यूनाइटेड नेशन के उन, उनके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डेंस में रिकॉग्नाइज किए जाए रिकॉग्नाइज करते हुए इन्हेरिट डिग्निटी और इक्वल और इन एलिनेबल राइट्स हर मेंबर के ह्यूमन फैमिली के और फाउंडेशन के लिए फ़्रीडम जस्टिस और पीस के लिए इस वर्ल्ड में रिकॉग्नाइजिंग की जो राइट्स हैं डिराइव किए गए हैं इनहेरेंट डिग्निटी से ह्यूमन पर्सन के रिकॉग्नाइजिंग दैट जो इन ये जो है वो इन अकॉर्डेंस विथ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं और जो आइडल है फ्री ह्यूमन बीग्स का इंजॉइंग फ्रीडम फीयर से और वॉन्ट से जिसे उन्हें अचीव करना है किसी भी कंडीशन में Uh, और अगर जो कंडीशंस हैं क्रिएट की जा रही हैं जो एवरीवन मतलब हर इंसान एंजॉय uh, कर सके इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स और अपने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के साथ कंसीडरिंग की ऑब्लिगेशन स्टेट्स का इस चार्टर के अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस के प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सल रिस्पेक्ट और ऑब्जर्वेंस ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम्स की रियलाइज करते हुए कि इंडिविजुअल की ड्यूटी uh, है एक इंडिविजुअल के दूसरे इंडिविजुअल के लिए कम्युनिटी के लिए जिससे वो बिलोंग कर रहा है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है कि उस टाइप करे रहे प्रोपोशन के लिए और ऑब्जर्वेंस के लिए राइट्स जो कि रिकगनाइज़ किए जा रहे हैं इस गर्वनेंट के द्वारा और वो एग्री कर रहे हैं इन फॉलोइंग आर्टिकल्स में जिसमें हमारे पाँच पार्ट में तीस आर्टिकल दिए हुए हैं तो पार्ट वन में है हमारा आर्टिकल वन जिसमें है कि सबके पास राइट है सेल्फ डिटमिनेशन का इस आ, और इस राइट के थ्रू उन्हें फ्रीली डिटर्म किया होना चाहिए मतलब होने का मौका मिलेगा पॉलिटिकल स्टेटस के लिए और वो फ्रीली परस्यू कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट और सारे पीपल जो हैं वो आ, उनकी खुद की आ, वांट होंगी जो फ्रीली डिस्पोज कर सकते हैं अपने नेचुरल वेल्थ और रिसोर्सेस किसी भी प्रिजिडाइज के बिना किसी जो कि ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा हो Uh, इस इंटरनेशनल uh, कन्वेंशन के इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के थ्रू uh, जो कि बेस है प्रिंसिपल में uh, जो है म्यूचुअल बेनिफिट का उसके ऊपर और इंटरनेशनल uh, लॉ के और किसी भी केस में uh, जो पीपल है उनको वो uh, डिप्राइव नहीं होंगे अपने खुद के मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस से फिर जो स्टेट पार्टीज़ है इस गवर्नमेंट के लिए वो इंक्लूडिंग की जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन सेल्फ गवर्निंग और ट्रस्ट टेरिटरीज के लिए वो प्रमोट करेंगे रियलाइजेशन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का और रिस्पेक्ट करेंगे इस राइट right की आ, और इस आ, जो प्रोविजंस हैं चार्टर यूनाइटेड नेशन के उसके कन्फॉर्मिटी में पार्ट टू में आ जाता है आर्टिकल टू जिसमें है कि आ, हर जितनी भी स्टेट पार्टी हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए वो अंडरटेक कर रही हैं स्टेप्स इंडिविजुअली कि आ, और इंटरनेशनल असिस्टेंस और कॉरपोरेशन के साथ स्पेशली इकोनॉमिक और टेक्निकल में आ, अपने मैक्सिमम जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके लिए विथ व्यू कि वो अचीव कर सके प्रोग्रेसिवली फुल रियलाइजेशन अपने राइट्स का जो कि रिक्गनाइज़ किए जा रहे हैं इस गवर्नेंट के द्वारा हर अप्रोप्रिएट मीन्स के थ्रू जो इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली जो है हैं लेगस्लेटिव का जो स्टेट पार्टीज हैं प्रेजेंट गवर्नेंट के लिए अंडरटेक कर रही हैं गारंटी करने के लिए आ, राइट्स जो कि एनोशिएटेड हैं प्रेजेंट कोवेंट में जो कि एक्सरसाइज किए जा सकते हैं बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के जो कि रेस कलर सेक्स लैंग्वेज रिलीजन पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन नेशनल और सोशल ऑरिजिन प्रॉपर्टी बर्थ और और किसी स्टेटस के ऊपर हो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अपने ह्यूमन राइट्स का रिगार्ड करते हुए अपने नेशनल इकोनॉमी में डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस एक्सटेंड तक वो गारंटी करेंगे इकोनॉमिक राइट्स जो रिकोगनाइज हैं इस प्रेजेंट कोविनेंट में जो नॉन नेशनल्स के लिए फिर आर्टिकल थ्री कहते हैं कि जो स्टेट पार्टीज हैं प्रेजेंट कोविनेंट में वो अंडरटेक कर रही हैं इन्श्योर करने के लिए इक्वल राइट मैन और वुमेन को अपने इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स को इन्जॉय करते हुए जो कि इस प्रेजेंट कोविनट में सेट की गई हैं आर्टिकल फोर कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं मतलब स्टेट पार्टीज़ हैं इस प्रेजेंट कोविनेंट के लिए वो रिक जो रि, वो रिकोगनाइज करें इंजॉयमेंट उन राइट्स को जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा इस कोविनेंट के कन्फॉर्मिटी में और जो स्टेट है वो सब्जेक्ट कर सकते हैं ऐसे राइट्स कुछ लिमिटेशन के लिए जो कि जो रिटबाइन किए जा रहे हैं किसी भी लॉ के द्वारा जो कि कम्पैटिबल हैं जो ये राइट्स हैं उनके नेचर के साथ और सोलरी <coughs> इस परपज़ के लिए कि वो प्रमोट कर सकें जनरल वेलफेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में देन आर्टिकल फाइव कहता है कि कोई भी चीज़ इस प्रेजेंट गवनेंट की इंटरप्रेट नहीं की जाएगी इम्प्लाई करने के लिए किसी भी स्टेट ग्रुप या पर्सन के लिए कोई भी राइट एंगेज करते हुए किसी भी एक्टिविटी में कि वो परफॉर्म करें या फिर वो कोई एक्ट परफॉर्म करें जो एम कर रहा है कोई भी राइट या फ्रीडम जो कि रिकोगनाइज़ की गई है उसके डिस्ट्रक्शन में या किसी लिमिटेशन में जो कि ग्रेटर एक्सटेंट में प्रोवाइड किया जा रहा है इस प्रेजेंट गेंट के ऊपर फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन किसी भी या फिर कोई भी डेरोगेशन किसी भी टाइप के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी कंट्री में उनके लॉ के थ्रू कन्वेंशन के थ्रू रेगुलेशन के थ्रू कस्टम के थ्रू उन्हें उनके ऊपर नहीं लगा जाएगा जो कि एडमिट करते हुए जो प्रिटेक्स है इस प्रेजेंट कोविडेंट का वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है उन राइट्स और वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है किसी भी लेसर एक्सटेंट में तो फिर नेक्स्ट पार्ट थ्री में है आर्टिकल सिक्स जो कहता है कि जो स्टेट पार्टीज हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज करेंगी राइट टू वर्क और uh, जो इंक्लूड करेगा कि सबके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने लिविंग uh, के लिए गेन कर सके मतलब लिविंग यानी कि मनी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके उनको पैसे मिल सके अपने वर्क के थ्रू Uh, और वो फ्रीली चूज़ कर सके और एक्सेप्ट कर सके uh, <coughs> ऐसे अप्रोप्रिएट स्टेप्स uh, और वो ले भी सके ऐसे अप्रोप्रिएट स्टेप्स जो कि अपने राइट इस राइट को सेफ गार्ड करने के लिए ज़रूरी हो या अप्रोप्रिएट हो फिर जो स्टेप्स वो एक स्टेट पार्टी के द्वारा तो लिया जाता है इस प्रेजेंट गविनेट के अंदर कि वो अचीव कर सके फुल रियलाइजेशन अपने राइट के वो इंक्लूड करेगा टेक्निकल और वोकेशनल गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पॉलिसीज टेक्निक कि वो अचीव कर सके स्टडी इकोनॉमिक सोशल कल्चरल डेवलपमेंट पूरी तरह प्रोडक्टिव पूरी और मतलब फुल और प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के अंतर्गत जो सेफ कर रही है फंडामेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम्स इंडिविजुअल के लिए देन आता है हमारा आर्टिकल सेवन जिसमें स्टेट पार्टीज जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट की वो रिकोनाइज़ करेंगी राइट सबके लिए एंजॉय करने के लिए जस्ट ऑफ फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क जो एनश्योर कर इन पार्टिकुलर जो प्रोवाइड करेगा हर वर्कर के लिए एक मिनिमम और फेयर वेज इक्वल र्यूमिनरेशन रुमेर, के साथ वर्क के लिए इक्वल वैल्यू का किसी भी डिस्ट्रिक्शन के बिना पर्टिकुलर में वुमेन के लिए कोई भी गारंटीड होंगी कंडीशन ऑफ वर्क जो कि इन्फीरियर नहीं होगा जो कि जैसा कि मैन इन्जॉय कर रहे हैं और उन्हें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेरे एक डिसेंट लिविंग मिले उन लोगों के लिए उनकी फैमिलीज़ के लिए विद प्रोविजन जो इस गवर्नेंट के हैं सेफ़ और हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिले इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको ताकि प्रमोट कर सकें अपनी एम्प्लॉयमेंट किसी भी अप्रोप्रिएट हायर लेवल पे बिना किसी भी कंसिडरेशन के अध्ययन जो सीनियरिटी और कम्पिटेंस के ऊपर हो रेस्ट लेजर और रिजनेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर्स पेरियोडिक हॉलीडेज़ विद पे ये भी उन्हें प्रोवाइड किए जाने चाहिए रीन्यूमरेशन के साथ पब्लिक हॉलीडेज़ के देन आर्टिकल एट सेवन हो गया आर्टिकल एट कहता है स्टेट पार्ट इस प्रेजेंट गवनेंट के अंडरटेक करेंगे इंश्योर करने के लिए राइट सबके लिए कि वो फॉर्म कर सकते हैं ट्रेड यूनियंस और जॉइन जौए, कर सकते हैं ट्रेड यूनियंस अपने चॉइस का आ, और वो आ, ऐसे ही रूल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन कंसर्नड हो उसी टाइप्स के बस रूल्स सब्जेक्ट करेंगे प्रमोशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए सबकी या उनकी इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट कोई भी रेस्ट्रिक्शन प्लेस नहीं किया जाएगा एक्सरसाइज में उनके इस राइट पे अदा दैन जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हों लॉ के द्वारा और जो नेसेसरी हो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में या प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स ऑफ फ्रीडम्स दूसरों के उसके लिए उनके इंटरेस्ट में जो राइट है ट्रेड यूनियंस का इस्टेब्लिश करने का आ, न, न, मतलब कि ट्रेड यूनियंस के पास राइट है कि वो इस्टिश कर सकते हैं नेशनल फेडरेशन या कन्फेडरेशंस और राइट uh, right, जो है दूसरों का वो फॉर्म कर सकते हैं और जॉइन कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेडनाइज यूनियन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो नेशनल फेडरेशन या कॉन्फ़ेडरेशन है वो जॉइन कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो राइट ऑफ ट्रेड यूनियंस है फंक्शन करने के लिए फिर टू बिना लिमिटेशन के जो कि प्रिस्क्राइब की गई है के में उनके अलावा और वो जो नेसेसरी हों डेमोक्रेटिक सुसाथ, सोसाइटी में नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर और, और राइट्स ऑफ फ्रीडम सोसो की प्रोटेक्ट करने के इंटरेस्ट में उनके अलावा जो राइट है स्ट्राइक करने का वो प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि एक्साइज किया जाना चाहिए कन्फॉर्मिटी विद द लॉस जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री के हों ये जो आर्टिकल वो प्रिवेंट नहीं करेगा पोज करना कोई भी लॉफुल रेस्ट्रिक्शन एक्सरसाइजमेंट राइट्स के जो कि मेंबर हैं आर्म्ड फोर्स के उनके द्वारा पुलिस के द्वारा या जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का उसके द्वारा कोई भी चीज़ आर्टिकल की ऑथोराइज नहीं कर रही है स्टेट पार्टीज को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नाइनटीन के ऊपर कंसर्न करने के लिए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज टू टेक लेजिस्लेटिव मेजर्स विद विच वुड प्रिजडाइज और अप्लाई द लॉ इन सच अनर एज एज वुड प्रिजाइज और जो गारंटीज़ प्रोवाइड की गई हैं इस uh, उस कन्वेंशन में उनके प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल नाइन कहता है कि जो स्टेट पार्टीज हैं प्रेजेंट गवेंट के वो रिकोगनाइज करेंगी राइट सब के लिए कि वो उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिले इंक्लूडिंग सोशल इंश्योरेंस फिर आर्टिकल टेन कहता है कि जो स्टेट पार्टीज हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की वो आ, उन्हें रिकॉग्नाइज करना है कि जो वायरस पॉसिबल पौस्टि, प्रोटेक्शन और असिस्टेंस हो सके आ, जो आ, फैमिली को मिल सके वो अकॉर्ड की जाए जो कि नेचुरल और फंडामेंटल ग्रुप है यू, यूनिट है सोसाइटी का फैमिली आ, देन पर्टिकुलरली उनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए और आ, जो अगर और उनकी रिस्पॉन्सिबल केयर एजुकेशन जो चिल्ड्रन है मैरिज जो कि फ्री कंसेंस होनी चाहिए इंटरनिंग प्रोसेस के वो सब भी और जो स्पेशल प्रोटेक्शन है जो कि मदर्स को मिलनी चाहिए एक रिजनेबल पीरियड के लिए बिफोर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ जिस पीरियड में जो वर्किंग मदर्स हैं उन्हें पेड लीफ या लीव एडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के साथ मिले स्पेशल मेजर्स प्रोटेक्शन के लिए असिस्टेंस के लिए लिए जाने चाहिए बेनिफिट के लिए सारे बच्चों के लिए और यंग पर्सन के लिए किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना जो कि रीज़न ऑफ परसेंटेज या uh, और किसी कंडीशन के कारण भी हूँ दैन जो चिल्ड्रन या, या यंग पर्सन है उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए इकनॉमिक और सोशल एक्सप्लेटेशन से और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है मतलब कि वर्क में वो हार्मफुल नहीं होनी चाहिए मोरल्स uh, हेल्थ और जो लाइफ uh, है उसको डेंजरस नहीं होनी चाहिए और uh, कोई भी नॉर्मल डेवलपमेंट को हेम्पर नहीं करनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो वो लॉ के थ्रू पनिशेबल होनी चाहिए स्टेट जो है उनको सेट करनी चाहिए एज लिमिट जिसके बिना जिसके नीचे जो है पेड एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिटेड होना चाहिए और पनिशेबल होना चाहिए लॉ के अंदर आर्टिकल इलेवन कहता है कि जो स्टेट पार्टीज से प्रेजेंट गवर्नमेंट की वो रिकोगनाइज़ज़ करेंगी राइट सबका एक एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए उनके लिए और उनके, उनके फैमिली के लिए एडिक्वेट फूड क्लॉथिंग हाउसिंग कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट लिविंग कंडीशन में उनके प्रोवाइड करने के लिए देन रिकोगनाइज करने के लिए जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो अप्रोप्रिएट स्टेप ले सकती हैं रियलाइजेशन के लिए इन राइट्स के रिकोगनाइज कर सकती हैं उस इफेक्ट तक जो कि सेंशियल है इंपॉर्टेंस के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन के जो कि फ्री uh, कंसेंट पे बेस्ड है जो स्टेट पार्टी से प्रेजेंट ऑफमेंट की रिकोगनाइज कर सकती फंडामेंटल राइट या सबके लिए जो कि फ्री होना ताकि हंगर uh, से फ्री रह सके मतलब भूख से और उसके लिए उन लोग एक इंडिविजुअली या इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू मेजर्स ले सकते हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के थ्रू इंक्लूड हो सकते हैं उसमें जिसमें नीड हो इम्प्रूव करने के लिए मेथड्स प्रोडक्शन के कंजर्वेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के फूड के ताकि पूरे यूज़ हो सके टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज का और नेटिंग नॉलेज प्रिंसिपल्स के न्यूट्रिशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए रिफॉर्म करने को आ, एग्रेरियन सिस्टम्स इस वे में कि वो अचीव कर सके मोस्ट एफिशिएंट डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज का टेकिंग इनटू अकाउंट जो प्रॉब्लम्स हैं फूड इंपोर्टिंग के फूड एक्सपोर्टिंग की कंट्रीज़ में आ, और आ, इंश्योर करते हुए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड फूड सप्लाइज का इन रिलेशन टू नीड आर्टिकल ट्वेल्व कहता है स्टेट पार्टीज जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट की रिकॉगनाइज करेंगी राइट सबके लिए इंजॉयमेंट ऑफ हाइएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए स्टेप्स के लिए कि स्टेट पार्टीज ले सकती है प्रेजेंट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग uh, Uh, उसके जो फुल रियलाइजेशन है इस राइट का उसको अचीव करने के लिए जो भी नेसेसरी हूँ जिसमें जो प्रोविजन है रिडक्शन के लिए स्टिल बर्थ रेट और इन्फेंट uh, मॉर्टेलिटी या हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए हर रिस्पेक्ट में और इन्वामेंटल uh, और इंडस्ट्रियल uh, हाइजीन के लिए प्रिवेंशन ट्रीटमेंट और कंट्रोल के लिए एपिडेमिक एंडेमिक आक्यूपेशन और डिसीजेस के लिए क्रिएशन के लिए कंडीशन जो कि एश्योर करें मेडिकल सर्विस और मेडिकल अटेंशन सिकनेस की इवेंट में देन आर्टिकल थर्टीन कहते हैं कि जो स्टेट पार्टीज हैं प्रेजेंट गवमेंट की रिक्नाइज करेंगी सबके लिए राइट टू एजुकेशन और वो एग्री करेंगे कि जो एजुकेशन uh, है वो डायरेक्ट करनी चाहिए फुल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन पर्सनैलिटी के और सेंस ऑफ डिग्निटी के लिए और वो स्ट्रेंथ कर स्ट्रेंथन करनी चाहिए उन्हें रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स की और फंडामेंटल uh, फ्रीडम्स की और फर्दर uh, वो एग्री करते हैं कि एजुकेशन जो है वो uh, इनेबल करनी चाहिए हर पर्सन को कि पार्टिसिपेट कर सकें इफेक्टिवली एक फ्री सोसाइटी में प्रमोट कर सकें अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस और फ्रेंडशिप हर नेशंस के बीच में और रेशियल एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स और फर्दर जो एक्टिविटीज़ हैं यूनाइटेड नेशन की उनके मेंटेनेंस के लिए दैन जो न, स्टेट पार्टीज हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए वो वो करती हैं कि इस व्यू के साथ कि वो फुल रियलाइजेशन कर सकें इस स्टेट इस राइट right का प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी और फ्री सबके लिए सेकेंडरी एजुकेशन जो है डिफरेंट फॉर्म्स में जिसमें टेक्निकल वोकेशनल और सेकेंडरी एजुकेशन भी इंक्लूडेड है जो जनरली अवेलेबल हो असेसिबल हो हर पर्सन के लिए अप्रोप्रिएट uh, मीन्स uh, के साथ और इन पर्टिकुलर प्रोग्रेसिव इंट्रोडक्शन फ्री एजुकेशन का देन हाई एजुकेशन जो है वो भी इक्वली एसेसिबल होनी चाहिए सबके लिए ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी एप्रोप्रिएट मीस के थ्रू और इन पर्टिकुलर प्रोग्रेसिव इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री एजुकेशन फिर जो फंडामेंटल एजुकेशन है वो इनक्रेज की जानी चाहिए और इन इंटेंसिफाइड होनी चाहिए एज़ फार एज़ पॉसिबल उन परसन्स के लिए भी जो कि रिसीव नहीं कर सकते या कंप्लीट नहीं कर पाए हैं होल पीरियड अपने प्राइमरी एजुकेशन का फिर जो डेवलपमेंट है सिस्टम का स्कूल्स के हर लेवल पे वो एक्टिवली uh, परस्यू करना चाहिए एक एडुकेट फेलोशिप सिस्टम जो है इस्टेब्लिश करना होगा और एक मटेरियल कंडीशन फैच करने के लिए स्टाफ को वो भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना होगा मतलब फीच करने के लिए दैन जो स्टेट पार्टी से प्रेजेंट गवर्नमेंट में डिटेक करती हैं कि आ, रिस्पेक्ट करने के लिए लिबर्टी पेरेंट्स की और आ, जब एप्लीकेबल और लीगल गार्जियंस को वो चूज़ करें अपने बच्चों के लिए स्कूल्स और अदर दैन जो इस्टेब्लिश की गई हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा जो कंफर्म करें मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड जैसा कि लेट डाउन किया जा रहा हो या अप्रूव किया गया हो स्टेट के द्वारा और इन्श्योर करें रिलीजियस और मोरल एजुकेशन अपने चिल्ड्रन के लिए कन्फॉर्मिटी के साथ जो कि उनके खुद के कन्विक्शन में हों उनके खुद के कन्वेक्शन के हिसाब से देन सबसे uh, uh, कोई भी पार्ट जो आर्टिकल का है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा इंटरफेयर करने के लिए लिबर्टी और इंडिविजुल uh, की या को uh, इस्टेब्लिश करने के लिए या डायरेक्ट करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या सब्जेक्ट करने सब्जेक्ट ऑलवेज टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स जो कि सेट किए गए हैं पैराग्राफ वन में इस आर्टिकल के और रिक्वायरमेंट के लिए की जो एजुकेशन दी जा रही है उन इंस्टीट्यूशन को वो कन्फर्म करें Uh, ऐसे मिनिमम स्टैंडर्ड जैसे कि लेट डाउन किए जाने हो स्टेट के द्वारा आर्टिकल फोटीन कहता है कि uh, हर स्टेट पार्टी जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट में वो uh, जब ये पार्टी बन रही है तब वो uh, और वो एबल नहीं थी कि सिक्योर कर सके मेट्रोपॉलिटन टेरिटरी या अदर टेरिटरी जो कि स्टेशन में कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ चार्ज अंडरटेक करने के लिए तो वो दो दो साल के अंदर वर्कआउट कर अडॉप्ट कर एक डिटेल प्लान एक्शन के लिए प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए विद इन रिजनेबल नंबर ऑफ इयर्स जो कि फ़िक्स किए जाएंगे उस प्लान में कि वो जो प्रिंसिपल है कंपलसरी एजुकेशन फ्री ऑफ चार्ज के लिए सबको प्रोवाइड कर फॉर ऑल आर्टिकल फिफ्टीन कहता है कि जो स्टेट पार्टीज है प्रेजेंट गवर्नमेंट के वो रिकोगनाइज़ करती हैं राइट सबके लिए कि वो टेक पार्ट कर सकते हैं कल्चरल लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं बेनिफिट्स साइंटिफिक प्रो, प्रोग्रेस का और उसके एप्लीकेशन के ऊपर बेनिफिट करते आ, हुए प्रोटेक्शन और मोरल और मटेरियल इंटरेस्ट का रिजल्ट करते जो रिज़ल्ट हो रही है साइंटिफिक लिटरेरी आर्टिस्टिक प्रोडक्शन से जो कि जिसके वो जो है वो ऑथर हों फिर जो स्टेप्स हैं वो लिए जाने होंगे स्टेट पार्टीज के द्वारा प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर कि वो अचीव कर सकें कुरियलाइजेशन राइट right का जो इंक्लूड करेगी नेसेसरी और जो होंगे कंजर्वेशन के लिए डेवलपमेंट के लिए डिफ्यूजन के लिए साइंस और कल्चर के उसमें फिर जो स्टेट पार्टीज हैं जो प्रेजेंट गंट के वो अंडरटेक करती हैं कि वो रिस्पेक्ट करें फ्रीडम इनडिस्पेंसेबल हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए और क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए फिर जो स्टेट पार्टीज हैं प्रेजेंट गवर्नेंट की रिकोगनाइज़ज़ करें बेनिफिट जो कि जो कि डिराइव किए गए हैं इंक्रेजमेंट और डेवलपमेंट से इंट, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट और कॉपोशन से साइंटिफिक और कल्चरल फील्ड में पार्ट फोर कहता था आर्टिकल सिक्सटीन जिसमें हम स्टेट पार्टीज जो प्रेजेंट गवर्नेंट के अंडरटेक करती हैं कि वो सबमिट करें इन इनका विद दिस पार्ट कोविनट रिपोर्ट जिसपे उन्हें मेजर्स लेने हैं जिस जो उन्हें अडॉप्ट किए हैं और जो प्रोग्रेस उनको उन्होंने अचीव की है ऑब्जर्व करते हुए इन राइट्स को जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं इस के थ्रू जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट की जानी है सेक्रेटरी जनरल को यूनाइटेड नेशन के जो ट्रांसमिट करेंगे कॉपीज इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को कंसिड्रेशन के लिए और उनके अकॉर्डिंग ही जो जो प्रोविजंस दिए हुए हैं प्रेजेंट कॉन्फेक्ट में उनके अकॉर्डिंग फिर जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के वो भी ट्रांसमिट करेंगे स्पेशलाइज एजेंसीज को कॉपीज रिपोर्ट्स की और कोई भी रेलिवेंट पार्ट जो कि स्टेट पार्टीज प्रेजेंट गवमेंट के थ्रू भी मेंबर्स हैं वो स्पेशलाइज एजेंसीज को देंगी और इन जितने एक्सटेंड तक जो रिपोर्ट्स हैं या उनका पार्ट जो रिलेट कर करे किसी भी मैटर से जो फॉल uh, कर रहा है किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उस एजेंसी के इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल सेवेंटीन कहता है कि जो स्टेट पार्टी है प्रेजेंट गवर्नेंट के वो फर्निश करें अपनी रिपोर्ट स्टेजस uh, में इन अकॉर्डेंस विद अ प्रोग्राम जो कि इस्टेबलिश uh, किया जाए इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के थ्रू एक ईयर के अंदर जब वो इस uh, जब से प्रेजेंट गवर्नेंट जो है फोर्स में आए उसमें वो एंटर कर एंटर करे और कंसल्टेशन uh, के बाद स्टेट पार्टीज से और इस्पेशलाइज एजेंसी से जो कि कंसर्न है फिर साथ रिपोर्ट्स जो हैं वो इंडिकेट करेंगी आ, कर सकती हैं फैक्टर्स डिफ़िकल्टीज जो अफेक्ट कर रही हैं डिग्री फुलफिलमेंट के लिए ऑब्लिगेशन जो किस प्रेजेंट गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहे हैं जहाँ पे रेलिवेंट ऑप जो है प्रीवियसली फर्निश कर दी गई यूनाइटेड नेशन को या फिर किसी स्पेशलाइज एजेंसी को आ, स्टेट पार्टी के द्वारा प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर आ, तो ये नेसेसरी नहीं कि वो रिप्रोड्यूस करें वही सेम इन्फॉर्मेशन पर एक प्रिसाइस रेफरेंस दे सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन का कि उन्होंने पहले सफाइस में वो जो इन्फॉर्मेशन थी उसे फर्निश करती है आर्टिकल एटीन कहता है कि परसुएंट और टू इट्स चार्टर जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर ऑफ द इन द प्रेजेंट इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स राइट फंडामेंटल फ्रीडम जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो अरेंजमेंट बना सकते हैं स्पेशलाइज एजेंसीज के थ्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर आर रिपोर्टिंग टू इट जो प्रोग्रेस हो रही है अचीव करते हुए ऑब्जर्वेशंस जो हैं ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोविजन जो कि प्रेजेंट कोविनेट के अंतर्गत आ रहे हैं इसके स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर आ रहे हैं फॉलो कर रहे हैं और फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ देयर एक्टिविटीज़ फिर ये जो आ, रिपोर्ट्स हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं पर्टिकुलर में डिसीजन और रिकमेंडेशनस जो कि इंप्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी हैं जो अडॉप्ट करने के बाद कंप्यूटेंट ऑर्गन्स को फिर आर्टिकल नाइन्टीन कहता है कि इकोनॉमिक सोशल आ, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ट्रांसमिट कर सकता है उस कमीशन को ह्यूमन राइट्स के स्टडी के लिए जनरल रिकमेंडेशन के लिए जैसा कि अप्रोप्रिएट समझा जाए इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स की कंसर्न करते हुए ह्यूमन राइट्स को जो कि सबमिट की गई है स्टेट्स के द्वारा अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स सिक्सटीन और सेवनटीन और जो कि कंसर्न कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को सबमिट की uh, क, uh, करी गई जो रिपोर्ट है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आज, को अकॉर्डिंग विद द आर्टिकल एटीन विद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि जो स्टेट पार्टीज़ हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट में और जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं कंसर्ड वो सबमिट कि अपना कमेंट इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में कोई भी जनरल रिकमेंडेशन के थ्रू जो कि आर्टिकल 19 के अंदर बन रही है या जो रेफरेंस है उस जनरल रिकमेंडेशन का किसी भी रिपोर्ट में कमीशन के ह्यूमन राइट्स के या और भी कोई डॉक्यूमेंटेशन जो कि रेफ़र किया गया हो दे फिर आर्टिकल ट्वेंटी वन कहता है कि जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो सबमिट कर सकती है टाइम टू टाइम जनरल असेंबली को रिपोर्ट्स विथ रिकमेंडेशन जनरल नेचर का और एक समरी इंफॉमेशन की जो रिसीव की गई है स्टेट पार्टीज के द्वारा उस कोविनेंट के अंदर और जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उसमें नज़र ले सकती हैं और प्रोग्रेस जो कि अचीव की गई है जनरल ऑब्जर्वेंस के द्वारा उस राइट्स के रिकॉर्गनाइज की गई है जिस प्रेजेंट कोविनट में उनमें आई है उसके ऊपर हमारा आर्टिकल ट्वेंटी टू कहता है कि जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो ब्रिंग कर सकता है टेंशन में आ, और भी दूसरे ऑर्गन्स को यूनाइटेड नेशन के उन अपनी आ, जो सब्सिडरी ऑर्गनस प्रसाद एजेंसी हैं जो कंसर्नड है इस फर्निशिंग टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू किसी भी तरह के उप, के साथ आ, किसी भी मैटर में जो राइज आउट हो रहा है उस रिपोर्ट्स के थ्रू जो कि रिफ़र की गई है इस पार्ट में इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के वो असिस्ट कर सकते हैं ऐसी Uh, अलग अलग अथॉरिटीज़ uh, ताकि वो डिसाइड करें ईज विथ इन इट्स फील्ड ऑफ कंपीटेंस और एडवाइजबिलिटी जो कि इंटरनेशनल मेजर्स लेने चाहिए उन्हें लाइकली कंट्रीब्यूट करने के लिए इफेक्टिव प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन इस गवर्नेंट प्रेजेंट गवर्नेंट का फिर आर्टिकल ट्वेंटी थ्री कहते हैं कि जो स्टेट पार्टीज है प्रेजेंट गवर्नमेंट को एग्री करती है कि जो इंटरनेशनल एक्शन अचीवमेंट के लिए आ, इन राइट्स का लिया जाता है अगर जो रिकोगनाइज है प्रेजेंट गवर्नमेंट में जो इंक्लूड कर सकता है मैथर्ड जैसा कि कॉन्क्लूशन इन कन्वेंशन का और जो एडोपन है रिकमेंडेशन का फर्निश करता फर्निशिंग uh, जो टेक्निकल असिस्टेंस है होल्ड करना रीजनल मीटिंग और टेक्निकल मीटिंग्स uh, इस पर्पस के लिए कंसल्टेशन uh, के लिए और स्टडी जो रिकॉग्नाइज की जा रही है कंजक्शन में गवर्नमेंट्स जो कि कंसर्न होंगी उनके साथ आर्टिकल ट्वेंटी फोर बोलता है कि आ, कोई भी चीज़ प्रेजेंट कॉन्वेंट की वो इंटरप्रेट नहीं की जाएगी एक इंपेयरिंग के, के दौर पे प्रोविजंस के ऊपर जो चार्टर हैं ने यूनाइटेड नेशन का उनके ऊपर और Uh, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर स्पेशलाइज एजेंसीज के जो कि डिफाइन करती है रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरियस ऑर्गन्स की यूनाइटेड नेशंस के और जो स्पेशलाइज एजेंसी जो कि रिगार्ड रिगार्ड इन रिगार्ड टू द मैटर्स जो कि इस प्रेजेंट कोविनेंट के थ्रू डील कर रहे होंगे आर्टिकल ट्वेंटी कहता है प्रेजेंट नथिंग इन दिस प्रेजेंट गविनेंट वो इंटरप्रेट किया जाए एक एम्प्योरिंग एज इम्प्योरिंग इनहेरेंट राइट जो कि पीपल्स को uh, दिए गए हैं वो इन्जॉय करने के लिए यूटिलाइज़ करने के लिए फुली और फ्रीली uh, अपनी नेचुरल वेल्थ और रिसोर्सेज को फिर पार्ट uh, फाइव कहता है आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स जिसमें है जो प्रेजेंट गवर्नेंट है वो ओपन है सिग्नेचर करने के लिए आ, के लिए स्टेट मेंबर्स के द्वारा यूनाइट नेशंस के और और किसी भी स्पेशलाइज एजेंसीज के और किसी भी स्टेट पार्टी के स्टैचू के जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आते हैं और बाकी भी किसी भी स्टेट के द्वारा जो कि इन्वाइट किए जाते हैं जनरल असम्बली के द्वारा यूनाइट के कि वो एक पार्टी बन सकते हैं इस प्रेजेंट गवनेंट के जो प्रेजेंट गवनेंट है वो सब्जेक्ट है रेटिफिकेशन के इंस्ट्रूमेंट जो जो है रेटिफिकेशन के वो डिपॉजिट किए जाने चाहिए सेक्रेटरी जनरल के द्वारा इस यूनाइटेड uh, नेशन के जो प्रेजेंट कोविनेंट है वो ओपन होगा और असेशन के लिए स्टेट्स के द्वारा जो कि रिफर किए गए हैं पैराग्राफ वन में इस आर्टिकल के देन असेशन जो है वो इफेक्ट एफ, किया जाएगा वो इफेक्ट होगा डिपॉजिट के थ्रू जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस देंगे मतलब uh, uh, के साथ जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन की इन्फॉर्म करेंगे सारे स्टेट्स को uh, जो कि uh, जिन्होंने साइन किया है प्रेजेंट कोविनेंट या असीड किया है इसको डिपॉजिट के ऊपर हर इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन और इसेसन के लिए आर्टिकल ट्वेंटी सेवन कहता है कि जो प्रेजेंट कोविनेंट है वो एंटर करेगा फोर्स में तीन मंथ बाद जब से ये जो है वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इस डिपॉज़िट करेंगे उस स्टेट्स के बाद जब ऑफ द थर्टी इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन और, और इंस्ट्रूमेंट एसेशन का हर स्टेट के लिए जो रेटिफाई कर रहा है एक प्रेजेंट कॉविनेंट और असीड कर रहा है इसको अपना ऑफ़्टर डिपॉजिट जो थर्टी फिफ्थ इंस्ट्रोमेंट का हो रहा है रेटिफिकेशन के या जो इंस्ट्रोमेंट ऑफ एसेशन का तो जो प्रेजेंट कॉन्फिडेंट है वो एंटर करेगा फोर्स में तीन मंथ बाद जब से वो डेट जो है डिपॉजिट की होती है इसके खुद के इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के बाद आर्टिकल ट्वेंटी एट कहता है कि जो प्रोविजन है प्रेजेंट गवनेंट के एक्सटेंड करेंगे हर पार्ट में फेडरल स्टेट के किसी भी लिमिटेशन एक्सेप्शन के अलावा के बिना फिर आर्टिकल ट्वेंटी नाइन कहता है कि कोई भी स्टेट पार्टी जो प्रेजेंट गवनेंट की है वो प्रपोपोज कर सकती है अमेंडमेंट के लिए या फाइल कर सकती है सेक्रेटरी जनरल को यूनाइटेड नेशंस के फिर जो और जो सेक्रेटरी जनरल है उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे वो जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है स्टेट पार्टीज़ को प्रेजेंट गवर्नमेंट के एक रिक्वेस्ट के साथ कि वो उन्हें नोटिफाई करें कि वो उसके फेवर में है, आ, या नहीं जो कॉन्फ्रेंस है स्टेट पार्टीज़ की इस पर्पज़ के लिए कि वो कंसिडर करें और वोट करें इस प्रपोज़ल के ऊपर और ऐसे इवेंट में जहाँ पे एटलीस्ट वन थर्ड जो स्टेट पार्टी से वो फेवर में है कॉन्फ्रेंस के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कन्वे करेंगे कन्वीन करेंगे जो कॉन्फ्रेंस है उसको आ, इस ऑस्पिशियस जो है यूनाइटेड ने नेशन के उसके अंतर्गत फिर न, कोई भी अमेंडमेंट जो है अडॉप्ट की जाती है जो मेजोरिटी के थ्रू स्टेट पार्टीज़ के जो प्रेजेंट है वोट कर रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस में वो सबमिट की जाएगी जनरल असेंबली को यूनाइटेड नेशन के अप्रूवल के लिए जब अमेंडमेंट जो है वो फोर्स में आएगी तब जब वो अप्रूव उसे अप्रूवमेंट मिल जाता है वो अप्रूव हो जाती है अप्रूव बाई द जनरल असम्बली यूनाइट नेशन की और एक्सेप्ट की जाती है बाय द एटलीस्ट टू थर्ड मेजोरिटी स्टेट पार्टीज की जो कि प्रेजेंट गवनेंट के अंतर्गत अकॉर्डेंस uh, में uh, हैं विधपे विद द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फिर जो अमेंडमेंट uh, है uh, फोर्स में आएगा तो वो जो है बाइंडिंग होगा उन स्टेट पार्टीज़ के ऊपर जिन्होंने उसे एक्सेप्ट किया है और जो बाकी स्टेट पार्टीज हैं वो बाउंड होंगी प्रोविजंस के प्रेजेंट कोविनेंट के और या फिर कोई जो अर्लियर अमेंडमेंट जो कि उन्होंने एक्सेप्ट की होगी उसे फिर आर्टिकल थर्टी कहता है इ जो नोटिफिकेशन बनाई जाती हैं जो मतलब बनी जाती हैं जो आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स के अंदर पैराग्राफ फाइव में Uh, अंतर्गत uh, तो जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के वो इन्फॉर्म करेंगे हर स्टेट को जो कि रिफ़र हैं आर्टिक पैराग्राफ uh, वन में सेम आर्टिकल के इन पार्टिकुलर्स के ऊपर जो कि सिग्नेचर रेटिफिकेशन असेशन आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स के अंदर डेट ऑफ एंट्री इनटू फोर्स जो प्रेजेंट कॉम्डेंट की आर्टिकल ट्वेंटी के अंदर और डेट ऑफ एंट्री इंटू फोर्स ऑफ कोई भी अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल ट्वेंटी के अंदर फिर आ, आर्टिकल थर्टी वन कहता है कि जो प्रेजेंट कॉन्विनेंट है जिसमें चाइनीज़ इंग्लिश फ्रेंच रशियन स्पेनिश टेक्स्ट हैं जो कि इक्वली ऑथेंटिक हैं वो डिपॉजिट किया जाएगा आरचीफ में यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के वो ट्रांसमिट करेंगे सर्टिफाइड कॉपीज उस प्रेजेंट कॉविन इस प्रेजेंट कॉविनेंट की हर स्टेट को जो कि करीफर किए गए हैं आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स में ओके थैंक यू